Assalamu alaikum, this is Maria Zahid and welcome to my YouTube channel. वो तमाम लोग जो मुझे देख रहे हैं आज मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरी वीडियोस को देखते रहते हैं आप सबको खुश आमदीद। तो इस वीडियो के अंदर बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें होने वाली हैं और वो किस हवाले से हैं, ये जो गोद में एक अदद बैठे हुए ना हमारे साहब अब्दुल्ला मतलब के बच्चों के बारे में है, क्योंकि मुझसे अक्सर लोग ये पूछते रहते हैं कि मारिया आप अपने बच्चों को मतलब डिफरेंट चीजें होती है ना, डिफरेंट माओं को जो हमारी नई नई माएं जब बनती हैं लड़कियां तो उनको बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, ऐसे घरेलू टोटके होते हैं जो उनको नहीं पता होते। तो मैंने कहा कि मैं आपको वो जरूर बताऊं, बिकॉज ऑफ कोर्स मेरा भी माशाल्लाह एक अदद टोडलर है और मुझे उसकी चीज़ों के बारे में अक्सर ध्यान रखना पड़ता है और वो कौन सी ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि आपको बेबी बैग में हमेशा रखनी चाहिए और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। तो मैं आपको वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आज बताने लगी हूँ जी। तो देखिए, सबसे पहले तो जब एक बच्चा आपकी गोद में आता है तो आपको तो पता ही नहीं होता कि इसके साथ करना क्या है और ये हमारे साथ क्या करने वाला है। तो सबसे पहले तो ये कि आपने बच्चे के पेट का बहुत ध्यान रखना है, आपने ये मेक श्योर करना है कि जो आपका बच्चा है उसकी जो टमी है वो हेल्दी रहे, क्योंकि जब बच्चे की टमी, बिकॉज बच्चे छोटे लेटे रहते हैं, ये तो माशाल्लाह बड़ा है तो वो ज्यादा एक्टिविटी नहीं होती है, तो लोगों को समझ नहीं आता लड़कियों किस तरीके से उस चीज को हैंडल करें। ग्राइप वाटर का इस्तेमाल आपने करना है, सौंफ को उबाल के थोड़ी सी सौंफ डाल के पानी में आप वो वाला पानी भी बना के बच्चों को दे सकते हैं, ठीक है, जिससे उनके स्टमक क्लियर रहेगा, गैसेस पास होती रहेंगी, ठीक है। इसके अलावा कुछ इस तरह के कोलिक ड्रॉप्स आते हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं, मगर अच्छे किसी अच्छे ब्रांड का, ठीक है। दूसरी बात क्या, जब बच्चों के दांत निकलना शुरू होते हैं तो एक इस तरह का एक ड्रॉप आता है, उसका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, वो मैं आप को इंशाल्लाह जो भी अगर कमेंट्स में मुझसे पूछेगा तो मैं उसको लिंक दे दूंगी। अब्दुल्ला बात करी मम्मा, ठीक है। वो अगर आप बच्चे जब दांत निकाल रहे होते हैं उनके गम्स के ऊपर वो लगा दें तो वो उनको जो इचिंग या जो तकलीफ हो रही होती है दांत निकलने की गम में से, वो बहुत कम हो जाती है। उसके अलावा आप क्या दे सकते हैं उनको, आप उनको कोई भी फॉर एग्जाम्पल सख्त चीज जैसे गाजर हो गई या ऐसी चीज जैसे कोई हड्डी हो गई, जैसे वो लेग पीस की जो बोन होती है, अब वो बोन है तो बच्चे उसके साथ अपने मुंह में लगे रहेंगे और अपनी खुद ही मसले का हल करते रहेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल पागल होने की जरूरत नहीं है कि बच्चे को हाय अल्लाह गिर गया, ये कुछ हो गया या ये कोना लग गया तो कुछ हो गया, एहतियात करें, मगर बच्चे गिर गिर के ही बड़े होते हैं। शुरू में मैं भी बहुत ज्यादा कॉन्शियस हुआ करती थी पहले बच्चे के टाइम पे, लेकिन उसके बाद जब मेरा टाइम गुजरा तो मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, आप ध्यान रखें ये ना हो कि बहुत ज्यादा चोट लग जाए, मगर एक जरा से गिरने में भी इतना परेशान नहीं हो कि पता नहीं क्या हो गया, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं वो आपसे बॉदर होना शुरू हो जाते हैं, आपको अवॉइड करना शुरू कर देंगे। तो आप कोशिश ये करिए कि कुछ ऐसा एक देखिए, जब आपका बच्चा छोटा होता है तो आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप अपने आप को परफेक्टली ड्रेसअप भी कर सकें या परफेक्टली वॉक आपकी वो नहीं रहती, आपकी चाल उस तरह की नहीं रहती, आपकी ड्रेसिंग उस तरह की नहीं रहती है बच्चे के साथ। आई नो एक औरत एक लड़की बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज कर रही होती है, लेकिन उसके साथ साथ आपने इस चीज का भी ख्याल रखना है कि आपका बच्चा कंफर्टेबल हो, ठीक है, क्योंकि अगर आपका बच्चा कंफर्टेबल नहीं होगा और अगर आप किसी इवेंट पे हैं या किसी के घर में हैं तो वो जब अनकंफर्टेबल नहीं होगा वो आपको इजीली सुकून से नहीं बैठने देगा, उसको कंफर्टेबल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए अवॉइड करिएगा कि कोई ऐसे कपड़े जो चुभे, या जिस तरह मैं अपने सॉरी कपड़ों में बटन्स नहीं लगवाती क्योंकि मुझे ये होता है कि अब्दुल्ला को चुभ ना जाए, ठीक है ना। तो इस तरह की चीजों का आपने ख्याल रखना है। बच्चे के कपड़े टाइट बिल्कुल भी ना बिल्कुल लूज हो, एक अच्छा साइज हो, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा ये ट्रेंड है कि बड़े से बड़े साइज के कपड़े लो, बिल्कुल लीजिए बड़े साइज के कपड़े, मगर इतने भी बड़े ना हो कि हाथ आस्तीनें लटक रही हो और पैरों पे वैसे मोजे गिर रहे हो, इस तरह का ना हो, बच्चा कंफर्टेबल हो, ठीक है। इसी तरह जूता भी कंफर्टेबल जूता होना बड़ा जरूरी है। आप अपने जूते बच्चे को जो भी पहनाए उसका सोल जरूर देखें कि वो सोल उसका ऐसा हो कि वो फर्श पे ग्रिप करे, वो ऐसा ना हो कि आपका बच्चा उससे स्लिप करे, ठीक है। जूते लेते हुए बच्चों के बहुत ज्यादा आपने ध्यान रखना है। आपने अपने बैग में हमेशा ग्राइप वाटर रखना है, अपने बैग में आपने वाइप्स रखने हैं, पैम्पर्स रखने हैं, एक्स्ट्रा एक सूट रखना है, एक एक्स्ट्रा बिब रखना है,
शॉपर जरूर रखने हैं अपने बैग के अंदर। इसी तरह रैशेस के लिए मैं बताती चलूं कि सूडो क्रीम इज बेस्ट। इसके अलावा सूडो क्रीम के अलावा जॉनसन्स की नैपी क्रीम भी बहुत अच्छी है। इसके अलावा अगर देसी काम करना है तो कॉर्नफ्लोर डाल दीजिए, ठीक है, जो ये बाजार में रफान का कॉर्नफ्लोर मिलता है आप वो डाल दीजिए। पैम्पर चेंज कराते हुए अगर आप कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करेंगे तो आप देखिएगा जब आप नेक्स्ट टाइम इसका बच्चे का नैपी चेंज करेंगे आपका बेबी अच्छा होगा, हैप्पी, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जब आपके बच्चे के दांत निकल आए छोटे छोटे, दिखाइए मामा टूथब्रश कैसे कराती है तो उसका टूथब्रश भी होना चाहिए। और उसके लिए बच्चे की फेवरेट कोई आप एक स्ट्रॉबेरी ले लें या मैंगो फ्लेवर ले लें, इस तरह की आपने कोई भी टूथपेस्ट रखनी है जो कि बच्चे को कोलगेट वगैरह से ना कराना शुरू कर दीजिएगा। बच्चों की अपनी प्रोटेक्ट की और डिफरेंट ब्रांड्स की टूथपेस्ट आती हैं जो कि बड़ी अच्छी और फ्लेवर वाइज भी बहुत अच्छी होती है, स्पेशली डिजाइंड फॉर बच्चा पार्टी होती है, तो वो आप जरूर यूज करें। साथ ही साथ जो आप उनको नहलाएं जब बच्चों को, तो आप बहुत ही अच्छा कोई माइल्ड बॉडी वॉश लें। मैं तो वैसे जॉनसन्स का ही यूज करती हूँ, टॉप टू टो वॉश यूज करती हूँ मैं, बेसिकली अलग अलग नहीं यूज करती हूँ कि शैम्पू मैं अलग लूं और मैं साथ में बॉडी वॉश अलग लूं। मैं एक टॉप टू टो वॉश है जॉनसन्स का, वो मैं यूज करती हूँ जो कि बहुत अच्छा है, इजिली अवेलेबल है, प्राइस वाइज भी सही है, इट्स फाइन, ठीक है, वो यूज करती हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, ताकि बच्चा इजी रहे ना और आपको भी नहलाने में बच्चे को आसानी रहे, ठीक है। और इसके अलावा आपने बच्चे की मालिश जरूर करनी है, इसकी गंजे पटेल खोपड़ी में तेल डालना है आपने, मालिश बड़ी अच्छी से करनी है, ये जगह मालिश करनी है, कानों के पीछे मालिश करनी है। अच्छा, मेरे दोनों बच्चों की जो स्किन है ना वो थोड़ी ड्राई है तो मुझे इनको एक्स्ट्रा लोशन वोशन लगाने पड़ते हैं, और एक बड़े अच्छे लोशन पाउडर के अलावा ग्लिसरीन क्रीम मैं यूज करती हूँ अपने बच्चों को लगाने के लिए, तो वो भी बहुत अच्छी रहती है, स्पेशली वो पार्ट जो ज्यादा ड्राई होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आप वैसलीन का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब्दुल्ला जब हुआ था, आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस विद यू, तो इसके सर पे गंजा था, ये सर्दियों के दिन थे और बहुत कैप पहने रहता था इस तरह की टोपी, तो इसके सर के ऊपर पापड़ी पापड़ी सी जमा होना शुरू हो गई थी वो ड्राइनेस की वजह से, तो हम डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कोई दवाई वगैरह दी तो उससे कोई खास असर नहीं हुआ, लेकिन मैंने इसके सर पे उस सख्त ड्राई पार्ट पे मैंने वैसलीन लगाई, ठीक है ना, और वैसलीन के बाद मैंने उसको टिश्यू की मदद से रब करना शुरू किया, तो यकीन माने वो सारी लेयर आउट हो गई और सर बिल्कुल साफ हो गया। फिर उसके ऊपर जो डॉक्टर ने दवाई दी थी हमने वो लगाई तो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो गया। इस तरह की चीजें अक्सर हो जाती हैं, इस पे परेशान और घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक और बात साथ में कहूंगी, कुछ बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनकी आंखों के अंदर बहुत यहाँ पे समझ लें वो गंद आ रहा होता है, ठीक है ना, तो वो क्या उसका हल है कि आपने बच्चे की इस जगह पे ऐसे मसाज करना है, ठीक है, जैसे ये जगह ना आंखें बंद करो इस तरह से मसाज करेंगे आप तो वो जो डक क्लोज हो जाती है वो डक जो है ओपन हो जाएगी और जो पानी है या गंद है वो आंखों से बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ अब इस चीज के ऊपर भी आते हैं कि बच्चों को दें क्या मैं ये कहूंगी क्या मैं ये कहूंगी कि बच्चे को सबसे पहले जज करें कि उसको पसंद क्या चीज आ रही है। कुछ बच्चों को नमकीन पसंद होता है, कुछ बच्चों को पसंद होता है मीठा, तो अब्दुल्ला को बेसिकली माशाल्लाह से दोनों चीजें पसंद है। अब्दुल्ला की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अपने बच्चे को जानिए कि आपका बच्चा क्या चीज पसंद कर रहा है, क्या वो मीठी चीजें पसंद कर रहा है या नमकीन, या वो दोनों पसंद कर रहा है। कोशिश करिए कि जब आपका बच्चा एक साल का हो तो उसको घर का खाना थोड़ा थोड़ा टेस्ट कराना शुरू करें, उसको घर का खाना थोड़ा थोड़ा टेस्ट कराना शुरू करें, सालन रोटी थोड़ी सी चखाएं ताकि वो मिर्च नमक हर फ्लेवर से उसको पता चले ना कि वो कैसा फ्लेवर है। तो बच्चों को खाने के लिए हम क्या क्या ऑप्शंस दे सकते हैं, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, उन सब का जवाब या वो सब चीजें हम अगली किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो मैंने आपको चीजें बताई, जैसे अगर आपके बच्चे को कब्ज हो रहा है, ठीक है ना, थोड़ा सा बड़ा बच्चा कॉन्स्टिपेशन हो रही है, तो उसकी नाफ में आप ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं, देसी घी टपका सकते हैं, इसके अलावा दूध में देसी घी डाल के दे सकते हैं, दूध में ऑलिव ऑयल डाल के दे सकते हैं,
तो ये जो है ना चीज उसके जो पेट के अंदर मसाइल है या कॉन्स्टिपेशन है उसको तोड़ने में बहुत ज्यादा मदद करती है। आई होप कि मेरी आज की वीडियो से आपको कुछ बेसिक की पॉइंट्स पता चले होंगे या चीजें पता चली होंगी और आपने कुछ लर्न किया होगा। अगर कोई भी ऐसी बात है जो आप चाहते हैं कि मजीद आप डिस्कस करना चाहते हैं जिस मौजू पे, आपने मेरे कमेंट बॉक्स में जाके वीडियो के मुझे बता देना है, ठीक है? तो मैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम उस टॉपिक को चूज कर लूंगी। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।